नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर एक बार फिर से स्टडी 91 में आप सभी का स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए मैं लाया हूं, क्या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको सीटेट क्वालिफाई करना है तो उसका सिर्फ एक ही रामबाण है, वो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज हम अपना मूल्यांकन स्वयं करेंगे, क्योंकि अपने से अपना मूल्यांकन सबसे अच्छा मूल्यांकन माना जाता है दोस्तों। तो आप जान पाएंगे कि आखिर आपके अंदर क्या कमी है और आप अपनी कमी को सुधार पाएंगे दोस्तों। तो आइए समय वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना मूल्यांकन दोस्तों। आइए दोस्तों, हिंदी 999 रुपये में, यूपी टेट का बैच 999, सुपर टेट का 1999, आरओआरओ का बैच 499, एसएससी जीडी का 699। अब सिलेक्शन ही एकमात्र लक्ष्य है किसका? स्टडी 91 का सिर्फ एक ही मात्र लक्ष्य है कि आपका सिलेक्शन हो जाए दोस्तों, चाहे जहां सिलेक्शन आपका होना चाहिए दोस्तों इस बार। चलिए आइए, तो आपकी स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत आते हैं क्या केवल गुणात्मक परिवर्तन, केवल मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन दोनों, न ही गुणात्मक और न ही मात्रात्मक परिवर्तन। अगर डेवलपमेंट का टॉपिक आपने पढ़ा है तो आप इसका आंसर जरूर दे पाएंगे दोस्तों, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। जल्दी से आंसर दें, विकास का क्या होगा? विकास के अंतर्गत आते हैं। बहुत ही बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं बच्चे, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही। बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत आता है क्या? आता है केवल गुणात्मक परिवर्तन, केवल मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन दोनों। दोस्तों मैंने आपको बताया था, आप लोग देखने वृद्धि एवं विकास का मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, आप YouTube पे सर्च कर लीजिएगा। उसमें मैंने आपको बताया था कि विकास के अंतर्गत, डेवलपमेंट के अंतर्गत क्या होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों चीज़ें होती हैं, दोनों चीज़ें उसमें व्याप्त होती हैं दोस्तों, दोनों चीज़ें होती हैं आपके डेवलपमेंट में। तो आपका सी इज द राइट क्वेश्चन आंसर, गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन दोनों होता है किसी भी बालक में दोस्तों। ये स्टार्ट करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है? बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन लाए रत्ने सर, तुरंत आंसर देंगे मेरे बच्चे। क्या आंसर है देखिए जरा क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ द फाइन मोटर स्किल। दोस्तों फाइन मोटर स्किल का पूछ रहा है एग्जाम्पल, क्या है फाइन मोटर स्किल का एग्जाम्पल? लिखना, जम, कूदना, दौड़ना, तैरना, क्या सर, क्या क्वेश्चन लाए? देखिए तुरंत आंसर दे रहे हैं, देखते हैं, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी लोग, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। सूक्ष्म की अगर जहां बात आ जाए दोस्तों, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल यानी फाइन मोटर, सूक्ष्म यानी छोटे छोटे कार्य आप कर रहे हैं, छोटे छोटे कार्य, छोटे छोटे उंगलियों से, यानी क्या? लिखना दोस्तों, क्या हो गया? लिखना आपका क्या होता है? अगर ग्रॉस मोटर की बात की जाती तब यहाँ पे कूदना हो जाता, दौड़ना हो जाता, तैरना हो जाता आपका ग्रॉस मोटर, यानी आपके मसल्स में पावर्स आ जाते हैं तो आप टफ वर्क करते हैं दोस्तों, ठीक है। बाकी सब ग्रॉस मोटर के उदाहरण है, और ये राइटिंग लिखना जो है वो सूक्ष्म यानी कि फाइन मोटर स्किल्स के एग्जांपल है। लिखना ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर दिया। बच्चों के विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण से क्या तात्पर्य है दोस्तों? बच्चों के विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण से क्या तात्पर्य? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीटेट 2021 के सारे क्वेश्चन आपके ऑनलाइन पेपर के हैं ये सब सारे दोस्तों, जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। चाहे तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं अगर ऑनलाइन का पेपर है आपके पास। तो देखिए, बच्चों के विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण से क्या तात्पर्य है? किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण क्या है? गर्भाधान से जन्म तक का विकासात्मक चरण, शैशवावस्था से प्रारंभिक वयस्क अवस्था में परंपरागत विकासात्मक चरण, और किसी भी व्यक्ति में अंतःस्राव में हुए अचानक परिवर्तन का विकासात्मक चरण क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर जल्दी से बताएं सभी लोग, देखते हैं कौन सा वीर इसका आंसर देता है। बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हैं, देखते हैं किसका सही होता है। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत ही अच्छा, क्या सर, क्या आंसर दे रहे हैं सभी बच्चे, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी लोग, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम सभी को। आइए क्या होगा,
बहुत ही बढ़िया आंसर दिया आपने, ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया आंसर दिया सभी ने, ए इज द राइट आंसर। बच्चों के विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण क्या तात्पर्य है? किसी भी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं का उत्थान इष्टतम चरण ही क्या कहलाता है? संवेदनशील चरण कहलाता है दोस्तों, बिल्कुल सही, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है? क्या क्वेश्चन लाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समकक्षी पूछा है दोस्तों। समकक्षी समूह यानी पीयर ग्रुप्स के बारे में आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा बच्चों के द्वितीयक समाजीकरण में, उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है ये होगा, या बच्चों के समाजीकरण में उनकी कोई भूमिका नहीं होती है, बच्चों के समाजीकरण में उनकी लघु लेकिन निरर्थक भूमिका होती है, या द्वितीयक समाजीकरण का कारक नहीं होता है, आपसे पूछ रहा है समकक्षी समूह के संदर्भ में दोस्तों। पीयर ग्रुप्स क्या होता है? आपने अगर मेरा जेंडर इश्यू और सोशलाइजेशन का वीडियो देखा होगा, तुरंत बता देंगे आप क्या है। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, क्या आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं सारे बच्चे, यानी समकक्षी समूह में पूछ रहा है आपका, समकक्षी समूह के संदर्भ में पूछ रहा है आपका कि क्या होता है, यानी इसमें क्या बच्चों के द्वितीयक समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ए इज द राइट आंसर। जो आपके दोस्त होते हैं, समकक्षी इन द सेंस क्या होता है, आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त, वो क्या है, समाजीकरण के वो आपके द्वितीयक क्या है, द्वितीयक वो होते हैं दोस्तों, द्वितीय श्रेणी में वो माने जाते हैं। प्रथम श्रेणी में आपकी फैमिली आती है और द्वितीय श्रेणी में क्या आते हैं, आपके दोस्त आते हैं, जिनसे आप सीखते हैं समाज की चीज़ें, किस तरह से हमें बैठना है, किस तरह से बोलना है, और उनके कल्चर्स के बारे में, उनकी भाषा के बारे में आप लोग सीखते हैं, ये इसमें आता है द्वितीय समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है दोस्तों। ए समकक्षी समूह यानी हमें दोस्तों के, तो ये इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सी उपव्यवस्था लॉरेंस कोहलबर्ग, मैंने बताया कि आपके दो तीन आत्मा हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग हो गए, वाल्गोस्की हो गए, जीन पियाजे हो गया, थार्नडाइक हो गया, इन सारी महान आत्माओं से आपके एग्जाम में 2 से 3 या 4 क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं, तो इन महान आत्माओं को पढ़ के जाइएगा दोस्तों एग्जाम में। बिल्कुल लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास का पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आती है, क्या क्वेश्चन लाए रत्ने सर, तुरंत सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, अनुबंधन नैतिकता एवं अधिकार व कानून, आत्मबोध, क्या होगा आंसर, जल्दी से आंसर बताएं। बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हैं सारे बच्चे, जल्दी से आंसर दें। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सारे बच्चे, जल्दी से आंसर दें क्या होगा। बहुत बढ़िया आंसर, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी लोग, कुछ लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग सी बता रहे हैं, देखते हैं किसका सही होता है। बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। इनमें से कौन सी उपव्यवस्था लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की प्रारंभिक व्यवस्था अवस्था के अंतर्गत आती है? सामाजिक और सरोकार और आत्मबोध, यानी सामाजिक सरोकार और आत्मबोध की व्यवस्था, डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही आपने बताया कि डी इज द लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की प्रारंभिक अवस्था में किसमें आते हैं, सामाजिक सरोकार और आत्मबोध आता है, डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही दिया जिसने, बिल्कुल सही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है समायोजित घटित होता है जब, समायोजन घटित होता है कब, समायोजन इन द सेंस आपका कब घटित होता है दोस्तों, जब अपने अनुभव को वर्तमान स्कीमाओं में सम्मिलित करने के लिए उनका रूपांतरण करते हैं, बच्चे अपने वर्तमान स्कीमाओं में परिवर्तन करते करके नए अनुभवों के अभिप्राय को समझते हैं, बच्चे अपनी स्कीमों को असंबद्ध खंडों में बांट देते हैं, या बच्चे अपने मूर्त अनुभवों की जगह अमूर्त विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, क्या आंसर होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा इसका। बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी लोग, जल्दी से बताएं क्या होगा। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं,
बिल्कुल समायोजन के एडजस्टमेंट की बात कर रहा है दोस्तों। समायोजन कब घटित होता है? एडजस्टमेंट यानी आप समायोजन कब करते हैं? जब आप अनुभव की प्राप्ति करते हैं और आपके अंदर क्या होता है? परिवर्तन होता है। जहां आप समायोजन करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, तो वहां पे उसके अनुसार, उस वातावरण के अनुसार आपको ढलना पड़ता है, उस जगह के अनुसार आपको बदलना पड़ता है। यानी बच्चे अपने वर्तमान सीमाओं को परिवर्तित करके नए अनुभव के अभिप्राय को समझते हैं, तो तभी तो आप एडजस्टमेंट कर पाएंगे, तभी तो आप समायोजन कर पाएंगे दोस्तों। तो बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर था, बी इज द राइट आंसर, इसका बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट है आपका, एक अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सहपाठियों से अंतः क्रिया कराकर एवं सहारा देकर अध्यापन करती है, यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया किस पर आधारित है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जल्दी से आंसर दें, किस पर आधारित है? लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत पर, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पर, लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर और हार्वर्ड गार्डनर के बहुआयामी बुद्धि सिद्धांत पर। देख लीजिए, आपका इसमें दो क्वेश्चन तैयार हो रहा है कि किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत दिया था, वो भी सारी बातें इसमें लिखी गई हैं। जल्दी से बताइए कौन सा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या होगा? क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, एक अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सहपाठियों में अंतः क्रिया कराकर एवं सहारा देकर अध्यापन कराती है, यह शिक्षण अध्ययन की प्रक्रिया किस पर आधारित है? लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर। यानी इसमें क्या, लेव वाइगोत्स्की ने क्या बताया था कि दोस्तों जब बच्चा यानी कोई भी एक्टिविटीज करता है तो वो उसके अंतर्गत सीखता है, अंतर्गत क्या क्या सीखता है, तो उसी तरह से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सहपाठियों के अंतः क्रिया करा कर यानी एक दूसरे के बीच में अंतः क्रिया करा कर एवं सहारा देकर अध्यापन कराती है, तो यह प्रक्रिया या शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया किस पर आधारित होती है? तो यह लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक अधिगम सांस्कृतिक सिद्धांत है दोस्तों। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं जितने बच्चे, सातवें का सी इज द राइट आंसर। अच्छा, अपनी हिंदी 299 रुपए में वीडियो, 199 रुपए का पेट का कॉम्बो, 350 पेट की बुक आपकी कितने की है दोस्तों? 300 रुपए की है। आरओ एआरओ की बुक आपकी सिर्फ मात्र 175 रुपए में है। लेखपाल कॉम्बो 300, फ्री डिलीवरी दोस्तों, कोई भी आपको चार्ज नहीं लगना है। इन पुस्तकों को मंगाने में कोई दिक्कत परेशानी तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है? तो आइए नेक्स्ट चलते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में पाठचर्या के उद्देश्य को महत्व देते हैं, पाठचर्या को उद्देश्य, प्रगतिशील शिक्षा यानी कि आपका क्या है इंक्लूसिव, प्रगतिशील शिक्षा में पाठचर्या के उद्देश्य को महत्व क्या देते हैं? रटन स्मृति में सत्ता के प्रति अनुकूलता को, आलोचनात्मक चिंतन को, या प्रत्यास्मरण और सतत अभ्यास ड्रिल को, किसको देते हैं दोस्तों प्रगतिशील शिक्षा में के आधार महत्व, बताइए। किसको देते हैं प्रगति शिक्षा में पाठचर्या के उद्देश्य क्या है? प्रगति शिक्षा में पाठचर्या के उद्देश्य क्या है दोस्तों? आपका क्या होगा? रटन स्मृति पे तो बिल्कुल नहीं देता, सत्ता के प्रति अनुकूलन नहीं होगा दोस्तों, आलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग, सी इज द राइट आंसर, क्रिटिकल आलोचनात्मक चिंतन करने पे कहता है कि बालक क्या करें, चिंता करें, चिंतन करें दोस्तों, तो ये आलोचनात्मक चिंतन, प्रगतिशील शिक्षा पाठ्यक्रम के उद्देश्य को आलोचनात्मक चिंतन को महत्व देते हैं, सी इज द राइट आंसर दोस्तों आपका, ठीक है? आठवां का सी, नौवां, हार्वर्ड गार्डनर, फिर आ गई महान आत्मा, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार, किससे? आपको मालूम होना चाहिए कि हार्वर्ड गार्डनर ने किसका सिद्धांत दिया था? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग करके अपने आचरण को दिशा देने की योग्यता से संबंधित है? अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, भाषात्मक बुद्धि, प्राकृतिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दें, क्या आंसर क्वेश्चन लाए रत्ने सर, तुरंत बच्चे आंसर देंगे हमारे, देखते हैं कौन सा वीर देता है इसका आंसर, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी लोग, बहुत ही बढ़िया।
बिल्कुल सही जवाब, बहुत ही बढ़िया आंसर दिया सभी ने, बहुत बढ़िया आंसर दिया, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। नाइन्थ का बी होगा आपका, व्यक्तित्व बुद्धि, बिल्कुल सही आवाज, अंतः व्यक्तित्व बुद्धि होगी, बिल्कुल सही। आइए नेक्स्ट चलते हैं। शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है, जबकि शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभावों के लिए होता है जिसे कि एक विशिष्ट संस्कृति पुरुष और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानती है। क्या होगा, किस शब्द का? लिंग और जेंडर, जेंडर लैंगिकता, जेंडर लिंग, लैंगिकता जेंडर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका सोशलाइजेशन और जेंडर इशू जो टॉपिक है मेरा, उसमें आप इसको पढ़ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ये आपके एग्जाम से मैंने बताया था, एक से दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, जल्दी से आंसर दें सभी बच्चे इसका। बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया सभी बच्चों ने, बिल्कुल सही, इज द राइट आंसर। यानी लिंग और जेंडर शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है, जबकि शब्द का प्रयोग, जबकि लिंग शब्द का यहाँ पे होगा, लिंग शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए, और जेंडर, जबकि जेंडर शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभावों के लिए होता है जिसके कि एक विशिष्ट संस्कृति पुरुष और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानी जाती है। जैसे जेंडर इशू होता है ना, जैसे कि आप ये कहते हैं कि लोगों को, महिलाओं को ये कार्य करना चाहिए, पुरुषों को ये कार्य करना चाहिए, महिलाओं को ये कार्य नहीं करना चाहिए, पुरुषों को ये कार्य नहीं करना चाहिए। इससे इसका एग्जांपल है दोस्तों कि महिलाएं ही केवल खाना बना सकती हैं, क्यों, पुरुष अच्छा खाना नहीं बना सकते, पुरुष भी खाना बना सकते हैं, पर ये जेंडर इशू है कि महिलाएँ ही घर का काम करेंगे और पुरुष बाहर जाके कार्य करेंगे। ऐसे कई जेंडर इशू होते हैं जो कि मैंने अपने वीडियो में पढ़ाया है, आप देख लीजिएगा, रत्नेश सर, आप सर्च कर सकते हैं, रत्नेश सर बाई CDP बाई रत्नेश सर, आप सर्च करिएगा, सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो उसमें ये टॉपिक और अच्छे से एक्सप्लेन किया, इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा कथन मूल्यांकन हेतु मानकीकृत परीक्षाओं के संदर्भ में सही है? मूल्यांकन हेतु, मूल्यांकन दोस्तों क्या होगा, यह छात्रों में अपसारी चिंतन को प्रोत्साहित करते हैं, मूल्यांकन के सख्त ढांचों संरचनाओं पर आधारित है, अरे वाह, अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं पर आधारित विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हैं, वे मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति भिन्न गति से सीखता है। क्या होगा इसका आंसर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मेरे बच्चे जल्दी से आंसर देंगे सभी। क्या सर, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी लोग, जल्दी से आंसर दें, बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी लोग, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, जल्दी से आंसर दें सभी लोग, बिल्कुल सही आंसर दिया सभी ने, बिल्कुल सही आंसर दिया, बी इज द राइट आंसर। मूल्यांकन हेतु मानकीकृत परीक्षण के संदर्भ में सही है, मूल्यांकन सख्त ढांचों संरचनाओं पर आधारित है, बी इज द राइट आंसर दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विधि अधिगम के लिए आकलन हेतु उपयुक्त है? निम्न में से कौन सी विधि अधिगम के लिए आकलन हेतु उपयुक्त है? सिर्फ साल के अंत में परीक्षा, बच्चे के संप्रदाय बुद्धि का नियमित प्रलेखीकरण, मानकीकृत परीक्षण, केवल प्रत्यासमण पर आधारित प्रश्नोत्तरी। क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जल्दी से आंसर दें, क्या होगा, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी लोग, कुछ लोग बी दे रहे हैं, कुछ लोग ये दे रहे हैं, देखते हैं किसका सही होता है। कौन सी विधि अधिगम के लिए आकलन हेतु उपयुक्त है, जल्दी से बताएं, आकलन हेतु, बिल्कुल सही, बच्चों के संप्रत्यय बुद्धि का नियमित प्रलेखीकरण, बी इज द राइट आंसर। यानी बच्चों के समय बुद्धि का नियमित प्रलेखीकरण, ये नहीं कि आप आकलन कर रहे हैं बच्चों का या मूल्यांकन कर रहे हैं, तो आप अगर साल के, सिर्फ साल के अंत में करेंगे तो आप क्या हो पाएगा, साल के अंत में बच्चों का समय जा चुका होगा। अगर आप बच्चों को दोबारा, जो चीज़ें आपने पता चले आपको कि इस बच्चा गणित में कमजोर है या संस्कृत में कमजोर, तो आपके पास समय है कि फिर से आप उसको गणित पढ़ा सकें, तो साल के अंत में नहीं करना चाहिए, तुरंत आप शिक्षण कार्य के दौरान ही आप क्वेश्चन पूछिए, आपकी
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी यही कहती है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कि बच्चों का संप्रदाय बुद्धि का नियमित प्रलेखीकरण होना चाहिए, न कि साल के अंत में दोस्तों। तो ये है आपका आकलन हेतु उपयुक्त है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को गणित के सवालों के उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को व्याख्या करने के लिए बढ़ावा देती है, क्या होगा? अर्थहीन है, कभी कभार ही इस्तेमाल की जानी चाहिए, अधिगम की गति को बाधित करेगी, अधिसंज्ञान कौशल के विकास में मददगार है, क्या होगा? जल्दी से आंसर दें सभी बच्चे, जल्दी से आंसर दें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। क्या होगा? कुछ बच्चे ए बता रहे हैं, कुछ बच्चे बी बता रहे हैं, देखते हैं किसका सही होता है। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर दिया। एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को गणित के सवालों के उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रियाओं को व्याख्या करने के लिए बढ़ावा देती है, अर्थहीन है, गलत होगा, कभी कभार इस्तेमाल की जाने, गलत है, अधिगम की गति को बाधित करेगी, गलत है, यह अधिसंज्ञानात्मक कौशल के विकास में मददगार होगा, हेल्प इन द डेवलपमेंट स्किल, हेल्प इन द डेवलपमेंट स्किल। दोस्तों मदद करनी चाहिए बच्चों को, कोई भी अगर कठिन सवाल है तो उनको हेल्प करने में आपको मदद करनी चाहिए, तो ये क्या कहलाएगा? अधिसंज्ञानात्मक कौशल के विकास में मददगार। डी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा किन विद्यार्थियों के लिए अधिगम के उपयुक्त स्तर मान रखती है? सृजनात्मक, स्वलीन, अधिगम विकार, मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण, क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट, समावेशी शिक्षा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा दोस्तों। समावेशी शिक्षा से भी आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जल्दी से इसका आंसर दीजिए, क्या होगा? 14 का आंसर बताएं क्या होगा दोस्तों। बहुत ही बढ़िया आंसर दिया, समावेशी शिक्षा किन विद्यार्थियों के लिए अधिगम के उपयुक्त स्तर माना जाता है, यानी सीखने के लिए सृजनात्मकता होनी चाहिए, बिल्कुल सृजनात्मकता होनी चाहिए, स्वलीन होना चाहिए, बिल्कुल स्वलीन होना चाहिए, अधिगम विकार होना चाहिए, बिल्कुल, मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण, बिल्कुल। तो इसका क्या होगा? चारों सम्मिलित होगा, सॉरी दोस्तों, डी इज द राइट आंसर। क्या होगा? डी इज द राइट, उपयुक्त स्तर मान रखती है, डी इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, यानी कि समावेशी शिक्षा सबके लिए समान शिक्षा, चाहे वो विशिष्ट बालक हो या सामान्य बालक हो, सबके लिए समान शिक्षा दोस्तों, सबको मिला के शिक्षा प्रदान करना एक ही विद्यालय में, यही मेन उद्देश्य था समावेशी शिक्षा का। नेक्स्ट है, UGC नेट पेपर फर्स्ट बैच प्रारंभ दोस्तों मात्र 999 रुपये में, मात्र 999 में। जो बच्चे UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं वो इस नंबर पे कॉल करके इस बैच को ले सकते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है या प्रतिस्थापित करता है या फिर उल्टा कर देता है कहलाती है, क्या? सर क्या क्वेश्चन लाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है, जैसे कि डिसलेक्सिया, वाचक वैकल्प, ऑस्टोनिस, स्वलीनता, लर्न्ड हेल्पलेस, अधिगम असहायता या अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार। जल्दी से बताएं कौन सा इसमें दिक्कत हो रही है बच्चे को, जल्दी से बताएं क्या होगा इसका आंसर। बहुत ही अच्छा आंसर दिया सभी ने, बहुत ही अच्छा। एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय क्या हो रहा है, पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है, पढ़ते समय उसको प्रॉब्लम हो रही है, जैसे मैंने आपको बताया था ट्रिक, तो ए इज द राइट आंसर। डिसलेक्सिया यानी वो लक्स को क्या पढ़ लेता है दोस्तों, लक्स को पढ़ लेता है, लुक्स, क्या पढ़ता है, लक्स को लुक्स पढ़ लेता है। डिसलेक्सिया यानी कि डिसलेक्सिया, वाचल विकल्प आपका सही है, ए इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट है, बिंदु अपने आप से परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए बहुत उत्साहित रहती है, वह मौलिक एवं के लिए बहुत उत्साहित रहती है, वह मौलिक एवं अभिसारी और समाधानों को खोज कर लाती है, ये गुण किसकी ओर संकेत करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। सर बिल्कुल हमारे बच्चे आंसर देंगे, देखिए स्वकेंद्रिता, सृजनात्मकता, बाह अभिप्रेरणा, संज्ञानात्मक विलंबता, क्या क्वेश्चन लाएं सर, तुरंत आंसर देंगे बच्चे, जल्दी से आंसर दें बच्चों सभी लोग। जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे आप स्क्रीनशॉट खींच लिया करें। बहुत ही बढ़िया आंसर दिया सभी ने, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है,
बिल्कुल सही आंसर दिया, सृजनात्मकता कहलाती है, क्रिएटिविटी कहलाती है, क्रिएटिविटी कहलाती है, बिल्कुल सही, बी इज द राइट आंसर। बहुत ही अच्छा आंसर दिया बच्चों ने। नेक्स्ट है, कक्षा में बच्चों के अधिगम को सहयोग देने के लिए निम्न से कौन सी योजना प्रभावशाली नहीं है। निगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, नहीं है। क्वेश्चन को मैंने आपको बताया है कि ध्यान से पढ़ना है, कौन सी नहीं है। संप्रदाय नक्शों के निर्माण में बच्चों की सहायता, बच्चों को स्मृति सहायक विधिक और खंडीकरण के उपयोग की सीख। नेक्स्ट है, बच्चों को प्रश्नों के उत्तर की नकल उतारने के लिए कहना, बच्चों को अपने सहयोगियों के साथ बैठकर सीखने के लिए प्रेरित करना। क्या आंसर होगा, जल्दी से आंसर दें दोस्तों। नहीं है, तो दोस्तों नहीं है। बता रहा है कि बच्चों के अधिगम के सहयोग देने के लिए उसे कौन सी योजना प्रभावशाली नहीं है। संप्रदाय नक्शों के निर्माण बच्चों की सहायता, ये भी सही है। आपका बी नहीं सही है दोस्तों। बी कह रहा है कि बच्चों की को स्मृति सहायक विधियों और खंडीकरण के उपयोग की सीख, नहीं ऐसा नहीं देना। टीचिंग स्टूडेंट द यूज ऑफ द मेमोनिक एंड चेकिंग, ये नहीं होगा दोस्तों। बी इज द राइट आंसर, खंडीकरण उपयोग की सीख नहीं देता दोस्तों, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सवाल प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित है। किससे, प्रक्रियात्मक ज्ञान से कौन सा सवाल संबंधित है दोस्तों। आपका अमेरिका की राजधानी क्या है, मानचित्र और ग्लोबल में क्या अंतर है, तीन अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने का तरीका क्या है, और प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या है। जल्दी से आंसर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दें। क्या होगा, देखते हैं कौन सा वीर देता है इसका आंसर। बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया आंसर दिया, बिल्कुल सही। प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित है आपका, सी इज द राइट आंसर। तीन अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने का तरीका क्या है, सी इज द राइट। बहुत अच्छा आंसर दिया जिसने भी सी दिया, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मैंने आपको बताया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपके एग्जाम में इससे एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो ये पढ़ के जाइएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा होनी चाहिए वेधन और अभ्यास पर आधारित, अन्वेषण प्रेरित, खोज उन्मुखी, पाठ्यपुस्तक और शिक्षक केंद्रित, परीक्षा के लिए सीखने की ओर उन्मुख। क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दें। अरे तुरंत बच्चे आंसर देंगे, आप क्या चिंता कर रहे हैं सर। देखिए 19 का क्या आंसर, अरे बिल्कुल आने लगा, बहुत ही बढ़िया आंसर, बिल्कुल बिल्कुल। इंक्वायरी ड्राइवन एंड डिस्कवरी ओरिएंटेड, यानी अन्वेषण प्रेरित और खोज उन्मुखी, बच्चा खोज उन्मुखी होना चाहिए, बच्चा खुद करके सीखे, लर्निंग बाय डूइंग, खुद करके सीखे, खोज करे, जब खुद सीखेगा तो वो खोज करेगा कि आखिर नई नई चीज़ों को जानेगा, नई चीज़ें कैसी होती हैं, कैसे बनता है ये चीज़। तो क्या होगा, बच्चे को क्या होना चाहिए, अन्वेषण प्रेरित और खोज उन्मुखी होना चाहिए दोस्तों, ये चीज़ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपका बी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट है आपका, समस्या समाधान के संदर्भ में किसी भी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना क्या कहलाता है। प्रक्रियात्मक स्थिरता, अनुक्रिया समुच्चय, अनुरूपक चिंतन, साधन लक्ष्य विश्लेषण, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जल्दी से बताएं क्या होगा। एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना क्या कहलाता है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर दिया, रिस्पॉन्स सेट दोस्तों, अनुक्रिया समुच्चय, यानी समस्या समाधान में किसी भी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना क्या कहलाता है दोस्तों, अनुक्रिया समुच्चय कहलाता है। किसी भी समस्या को आप एक ही तरीके से सॉल्व कर रहे हैं तो आप फंस सकते हैं दोस्तों, तो वही क्या कहलाता है, अनुक्रिया समुच्चय कहलाता है, बी इज द राइट आंसर। एक कक्षा में विद्यार्थी छोटे छोटे समूहों में एक नियत कार्य पर लगे हुए हैं और प्रत्येक समूह का एक सहायक है, किस उपागम की कक्षा में उपयोग हो रहा है, व्यवहारवादी, संरचनावादी, मनोविश्लेषण, प्रतिपादक। क्या सर, क्या क्वेश्चन लाए, तुरंत आंसर देंगे मेरे बच्चे, जल्दी से आंसर दें सभी लोग, बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, क्या बात है, बिल्कुल सही आंसर, सी बी इज द राइट आंसर, संरचनावादी, बी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। बहुत बढ़िया आंसर दिया सभी ने, जिसने भी बी दिया बहुत बढ़िया दिया। आगे देखते हैं, हिंदी इंडिविजुअल कंप्लीट कोर्स बैच प्रारंभ दोस्तों, मात्र 999 रुपये में आप सभी का बैच प्रारंभ हो गया है, हिंदी इंडिविजुअल का, बहुत ही बढ़िया।
आइए नेक्स्ट, आपके समस्या के समाधान की वह प्रणाली जिसमें लक्ष्य में आरंभ करने क्रमशः पीछे की तरफ चलकर हल तक पहुंच जाता है क्या कहलाता है? अनुरूपक या पश्चगामी कार्यकारी युक्ति कलन विधि कहलाती है दोस्तों, या स्मरण सहायक विधि कहलाती है? कौन सी विधि कहलाती है? जल्दी से आंसर दें सभी लोग। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी लोग, बिल्कुल क्या होगा, बहुत बढ़िया आंसर दिया, बिल्कुल सही बताया आपने, पश्चगामी कार्यकारी युक्ति बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं मेरे बच्चे, बहुत सही आंसर दिया, बी इज द राइट आंसर, पश्चगामी कार्यकारी युक्ति। आइए नेक्स्ट चलते हैं। जब बच्चे गलतियां करते हैं तो हम सभी बचपन में खूब गलतियां करते थे, क्यों दोस्तों? जब हम छोटे बच्चे थे तो हम गलतियां करते थे, उन्हें कक्षा में महत्व नहीं देना चाहिए, अच्छा उन्हें कार्य को बार बार दोहराने के लिए कहना चाहिए जब तक कि वो गलती करना छोड़ न दें। अच्छा आप टीचर बन के सोचिएगा, आप लोग उन्हें कक्षा के एक अलग खंड में बैठाना चाहिए, शिक्षक को बच्चे को सोचने समझने की प्रक्रिया को समझने के उसके साथ चर्चा करनी चाहिए, क्या होगा? जल्दी से आंसर दें सभी लोग, बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। शिक्षक को बच्चों को सोचने समझने की प्रक्रिया को समझने के लिए उसके साथ चर्चा करनी चाहिए, क्या प्रॉब्लम है बेटा, तुम्हें क्या दिक्कत है बताओ, बैठ जाओ, बैठ के समझाइए समझाइए उसका हाल चाल लीजिए, डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही दोस्तों। नेक्स्ट है, नेक्स्ट चलते हैं, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है आपका, एक शिक्षक अपने छात्र को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित बने रहने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है? दुश्चिंत और भय पैदा करके प्रतिस्पर्धा परीक्षण द्वारा व्यक्तिगत नैपुण लक्ष्यों को निर्धारित करने उसके सहयोग देकर वास्तविक इनाम जैसे टॉफी देकर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से एक टीचर बन के सोच के इसका आंसर दीजिए, गलत नहीं होना चाहिए बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है पर थोड़ा लॉजिकल है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। एक शिक्षक अपने छात्र को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित बने रहने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है? व्यक्तिगत नैपुण लक्ष्य को निर्धारित करने में उनका सहयोग देना कि भाई जो तुम्हारा लक्ष्य है तुम उसे प्राप्त करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो दिक्कत हो मैं तुम्हें हेल्प करूँगा दोस्तों, ये चीज़ बतानी चाहिए, निर्धारित करने में उसका सहयोग देना चाहिए, ये आपका सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन 25। किसी भी विद्यार्थी की योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है? अवधान, प्रत्यास्मरण, रटना या अभिसंज्ञान, क्या होगा? जल्दी से आंसर दें। अरे सर क्या क्वेश्चन लाए हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, तुरंत बच्चे आंसर देंगे, बिल्कुल बहुत सही आंसर दिया आपने, बिल्कुल सही। किसी विद्यार्थी की योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है? अभिसंज्ञान, अभिसंज्ञान कहलाती है, डी इज द राइट आंसर। क्या आंसर दिया है मेरे बच्चों ने, बहुत बढ़िया आंसर दिया सभी ने, बहुत बढ़िया आंसर दिया। ये नितिन सर के द्वारा हैंड राइटिंग द्वारा ई बुक, सारी सब्जेक्ट की बुक लिखी है, ये आपके लिए हर कंपटीशन में रामबाण का काम करेगी दोस्तों, सारी पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सारी पुस्तकें। आइए तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट करके आप जरूर पूछ लीजिएगा, और आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, एक बार दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आज के लिए इतना ही, जय श्री राम, राधे राधे, जय हिंद दोस्तों।